साथियों, एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है, इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। और इसलिए यहां के जो नेता है इंडी अलायंस के, यहां मतलब नासिक के नहीं, महाराष्ट्र के, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। साथियों, ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा, मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो विनाश हो रहा है ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो, ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी, नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना।
कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। इनकी ये पार्टनरशिप पाप की पार्टनरशिप है और पूरे महाराष्ट्र के सामने इनका पाप एक्सपोज हो चुका है। साथियों, इन नकली शिवसेना वाले उस कांग्रेस को सिर पर उठाए घूम रहे हैं जो कांग्रेस वीर सावरकर जी को दिन रात गालियां देती है। महाराष्ट्र की स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त जनता ये जब देखती है, ये जब सुनती है, तो महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। लेकिन अहंकार शिवसेना, नकली शिवसेना में इतना आ गया है कि उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना की भी कोई परवाह नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा मिलना देने का मन पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है और चार चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने।